हेलो नमस्कार मित्रों, देखिए आज हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रेडिंग का आधार। क्या लिखा है यहाँ पर? ग्रेडिंग का आधार। देख रहे होंगे आप, बहुत से बच्चे हाई स्कूल में या इंटर की जो परीक्षा होती है या हाई स्कूल एग्जाम होते हैं, तो उस समय जो आपका जो नामांकन आता है अर्थात जो मार्कशीट आती है, तो उस समय पर बच्चे अपने नंबरों का अनुभव नहीं लगाते हैं कि कितने नंबर आए हैं, 100 में से कितने नंबर आए हैं। तो मैं आज जिस बच्चों को नहीं पता है आज क्लियर कर देता हूं पूरा। देखिए आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ग्रेड ए लिखा है, यहाँ पर ये ग्रेड जो है ये ए है। जिन बच्चों के 100 में से जो नंबर है तुम्हारे 100 में से कितने आते हैं, 100 में से 100 हो या 91 नंबर हो, तो उन बच्चे को ग्रेड क्या दिया जाता है? ए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का आपका पूर्णांक है और उनमें से किसी बच्चे के 100 में से 91% नंबर हो जाते हैं सब्जेक्ट ए में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए गणित में किसी बच्चे के 100 में से 100 नंबर हो या 91 नंबर हो, उनके बीच में कोई भी नंबर आ जाता तो उसको हम ग्रेड नाम ए दे देंगे, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं जो ग्रेड ए जो दिया जाएगा 91 जो नंबर होंगे उससे ऊपर ही ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। और इससे नीचे को ग्रेड बी लागू हो जाता है। जैसे 90 से 76 के बीच में किसी बच्चे के नंबर आते हैं, किसी सब्जेक्ट में आते हैं, 90 से 76 के बीच में जो कोई भी संख्या आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पर चलो ऊपर के चलते हैं, ग्रेड ए में चलते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के 95 नंबर आएगा तो उसे हम 95 नंबर नहीं दर्शाएंगे, केवल हम ग्रेड ए दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? ग्रेड ए दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही बी ग्रेड कहाँ पर लागू होती है? 90 से लेकर के 76% के बीच में लागू होती है। जैसे किसी बच्चे के 90 और 76 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो उसको बच्चे का नाम क्या दे देंगे हम? उसे ग्रेड बी दे देंगे, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के कितने 90 से लेकर के 76 के बीच की कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कितने आ जाए, ये आ जाते हैं आपके 85 नंबर आ जाते हैं, तो 85 नंबर वालों को भी कितने ग्रेड बी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सी ग्रेड आप देख रहे होंगे, डी ग्रेड भी मान लीजिए, और ई ग्रेड में क्या आ जाता है? सबसे ई ग्रेड में आ जाते हैं 40 से कम नंबर, यानी कि 1 से लेकर के 40 तक की जो आपके नंबर होते हैं किसी सब्जेक्ट में। मान लीजिए रहीम नाम का कोई लड़का है तो उसके नंबर मान लीजिए 25 नंबर आ जाए तो उसे ग्रेड ई दिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसमें कितने 55 से लेकर के 41 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए तो उसे ग्रेड कौन सी दी जाएगी? डी दी जाएगी। और सी ग्रेड को मैंने आपको बताया होगा, जैसे कि यहाँ पर सी ग्रेड में क्या है, 75 से लेकर के 56 के बीच की जितने भी कोई भी संख्या आ जाओ तो उसे ग्रेड डी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको देख लेना, आप खुद यहाँ पर समझ गए होंगे, ये नंबर है मित्रों, यहाँ से 100 से 91 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए तो उस बच्चे को ए दिया जाता है, और 90 से लेकर 76 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए उसे ग्रेड बी दिया जाता है, और 76 से लेकर के 56 के बीच में जो नंबर आ जाए उसे ग्रेड सी दिया जाता है, और डी में मैंने बताया 55 से 41 के बीच में ग्रेड क्या दिया जाता है? ग्रेड डी दिया जाता है। और जो ई के इस 1 से लेकर 40 के जो नंबर कम है, 1 से 40 तक की जो भी कोई भी संख्या इसके बीच में आ जाती है तो ग्रेड क्या दिया जाता है? ई दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।